नमस्कार, जोशी पुरोहित के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा नवरात्रि में किस दिन किस चीज़ का भोग लगाने से माता रानी प्रसन्न होती है। साथियों, नवरात्रि की नौ देवियां नौ अलग अलग शक्तियों के प्रतीक हैं। इन नौ माताओं को इनकी मनपसंद वस्तुओं का भोग लगाने से यह अपने भक्तों पर पूर्ण कृपा दृष्टि बरसाती हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं माता शैलपुत्री की। नवरात्रि का प्रथम दिन माता शैलपुत्री को समर्पित है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने से इन्हें शैलपुत्री कहा गया है। इन्हें प्रसन्न करने के लिए आप माँ को गाय के घी का भोग लगा सकते हैं और ऐसा करने से शरीर निरोगी रहता है। माता ब्रह्मचारिणी को आप शक्कर का भोग लगा सकते हैं, ऐसा करने से व्यक्ति दीर्घायु होता है। तीसरी नवरात्रि माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। माँ चंद्रघंटा को दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे खीर मिठाई आदि का भोग लगाया जाता है। साथ ही फलों में आप लाल सेब का भी भोग लगा सकते हैं। चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है और उन्हें मालपुए बहुत प्रिय हैं, अतः उन्हें मालपुओं का भोग लगाना चाहिए। पाँचवें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा और स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है। छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति जगदम्बा ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसलिए उन्हें कात्यायनी कहा जाता है और उनकी प्रसन्नता के लिए शहद का भोग लगाना चाहिए। सातवां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है और कालरात्रि को गुड़ बहुत प्रिय है, तो माता रानी को गुड़ का भोग लगा सकते हैं। ऐसा करने से माता विपदाओं से रक्षा करती है। नवरात्रि के आठवें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन बहुत से लोग कन्या पूजन भी करते हैं। इस दिन महागौरी की पूजा करते समय माता रानी को नारियल का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से निसंतान दंपतियों के संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। नवरात्रि के नवे दिन माँ श्रीदात्री की पूजा होती है। इस दिन माता को काले तिल का भोग लगा सकते हैं, साथ में घर में बने हुए हलवा पूड़ी पंचामृत और खीर का भी भोग लगा सकते हैं। जिन लोगों को आकस्मिक मृत्यु का भय होता है उन्हें माँ श्रीदात्री की पूजा करने से लाभ मिलता है। साथियों, आप इन वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य और श्रद्धानुसार ब्राह्मणों को भी दान कर सकते हैं या किसी देवी के मंदिर में दे सकते हैं। आज के इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो यदि पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए जोशी पुरोहित का यूट्यूब चैनल। थैंक यू।